नमस्कार, मैं हूँ दिव्या अठवाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। आजादी के 70 साल बाद भी आम लोगों को पेयजल की परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नीमच जिले में 150 से 200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोज ही इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इन परिवार ने सरकारी सिस्टम के आगे अपनी गुहार नहीं लगाई हो, लेकिन इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह गूंज रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र से मात्र 3 किलोमीटर बोहरा कॉलोनी वासियों को पेयजल के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। नीमच नगर पालिका क्षेत्र की बोहरा कॉलोनी में कई महीने से पीने के पानी की समस्या है। ये परिवार पानी के लिए इधर से उधर भटककर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। इससे परेशान होकर महिलाओं ने एक बार फिर जनसुनवाई में कलेक्टर के दरबार में गुहार लगाई है कि उनको इस समस्या से निजात दिलाया जाए। बोहरा कॉलोनी 36B के पास है और पिछले 12 साल से वहाँ कॉलोनी धीरे 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 बसना स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन अब ये हो गया है कि वहाँ कम से कम 200 मकान ऊपर हो चुके हैं। फैमिलीज रहती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की ही होती है, और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या ही पानी की आती है। पानी और बिजली के बिना तो काम चलता ही नहीं है। पिछले साल भी हम लोग आके यहाँ पर आवेदन देकर गए थे, CMO से और कलेक्टर से बात हुई थी। उन्होंने लास्ट ईयर भी आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, लेकिन इस बार वापस से हमें आना पड़ा। वापस से हमने आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब ने बोला है कि एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर वो खरे उतरे। पानी के लिए ये था कि जब लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पर आए थे पानी की समस्या लेकर, तो कलेक्टर साहब ने हम लोगों को ये सुविधा दी थी कि दिन के अंदर 2 पानी के टैंकर आ रहे थे, तो 2 घर के बीच में एक पानी का टैंकर रखा जाता था और उस तरीके से हम लोग एक हफ्ते के अंदर वो चीज़ को एडजस्ट करके चला लेते थे। लेकिन अब है कि हर बार कितना एडजस्ट करेंगे ना, लेडीज़ है, एडजस्ट होता भी नहीं है। ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है, तो पानी की ज़रूरत तो सबसे पहले बढ़ती है। तो इसलिए आप इस बार सोचा है कि नहीं, जो चीज़ वैध है, चाहिए मतलब चाहिए, तो पानी के कनेक्शन के लिए हम लोगों ने आवेदन, और इस चीज़ के लिए हक बनता है हमारा, पानी और बिजली पर सबका हक बनता है। नगर पालिका में भी बात करके आए हैं, वहीं से हम लोग आवेदन देकर और फिर वहाँ पर यहाँ पर कलेक्टर को आवेदन दिया है। कलेक्टर से वापस से आवेदन के ऊपर सहमति देने के बाद ये कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह पानी की समस्या के ऊपर पूरा काम हो जाए। पानी की समस्या के लिए आए हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है, 12 साल हो गए कॉलोनी हैंड ओवर हुए है, और ये समस्या आज की नहीं, 12 साल हो गए, और 12 साल से मतलब किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। अभी हम 1.5 साल पहले भी नगर पालिका और यहाँ पर आवेदन दिया था, इसकी कोई सुनवाई हुई नहीं, और अभी हम नगर पालिका में अभी पिछले कुछ दिनों से जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ ये तो हैंड ओवर नहीं है कॉलोनी और ऐसा वगैरह, और मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार की सारी ये राजनीति चल रही। 2-3 दिन पहले कलेक्टर ऑफिस नगर पालिका से अधिकारी आए थे और वो सर्वे करके चले गए, बोले हाँ 300 मीटर लाइन डाल देते हैं ऐसा वगैरह करके, और फिर अभी आज कल CM हेल्पलाइन पर हमने कंप्लेंट की थी 4 जनों ने, तो उस पर कार्रवाई हुई। जो उस पर कल हम कलेक्टर ऑफिस आए थे, जहाँ पे कलेक्टर साहब जो भी अधिकारी है, यहाँ पे बोहरा कॉलोनी कम से कम यहाँ पे 200 फैमिलीज रहती है, और इन सबको पानी की समस्या है, ड्रेनेज की भी समस्या है, ड्रेनेज में भी आए दिन चौक हो जाती है और ड्रेनेज भी बनी हुई है, और सबको फिर भी नगर पालिका इस और कोई ध्यान नहीं देती। कभी कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं? पानी की व्यवस्था हम खुद टैंकर मंगा रहे हैं, 400-500 रुपये ओने पोने दाम देना पड़ते हैं नगर, मतलब टैंकर वालों को, टैंकर वालों की चांदी है इसमें। प्राइवेट टैंकर मंगा रहे, प्राइवेट टैंकर मंगा रहे, नगर पालिका टैंकर भेजती है, वो 15 दिन में 1 फैमिली को मिलता है, वो भी उसमें भी 1,000 लीटर या 2,000 लीटर देते हैं पानी, मतलब पूरा नहीं देते, और उसमें भी हम 50 रुपये या 100 रुपये वो भी उसमें भी देना पड़ता है। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने शांतिपूर्ण ये बोला कि हमने CMO साहब से डायरेक्ट बात की और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आपको ये समस्या का निराकरण हो जाएगा, नहीं तो आप 1 सप्ताह बाद वापस आए और फिर हमें इस पर अवगत कराएं। वॉइस ऑफ MP के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।